सो गाइस कैसे हो। तो आज का जो वीडियो है ये मतलब 2022 का सबसे बड़ा गेमिंग न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि मतलब बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। ई स्पोर्ट का कितना बात होता था, आप लोग जानते हैं ई स्पोर्ट में गेमिंग का फ्यूचर है। सारे लोग बोलते थे, यहाँ पीएम बोले थे, अंबानी जी बोले थे, बट यहाँ ई स्पोर्ट को ना वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था। तो आज का वीडियो में आप लोगों को सबसे बड़ा गेमिंग न्यूज़ आप लोगों को देने वाला, एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूँ। एंड साथ में आप लोग जान रहे 2.4 अपडेट काफ़ी नज़दीक है, 6 जनवरी को आ रहा है। तो आप लोगों को बहुत सारे नए नए जो फीचर है वो दिखाने वाला हूँ। एंड बेसिकली एक पैच नोट्स बोल सकते हैं, तो वो सारा पैच नोट्स आप लोगों को दिखाने वाला, वीडियो काफ़ी मज़ा आएगा। फीचर सब है भाई, जो पुराना पुराना जो फीचर सब था ना वो सभी बैक आने वाला है, कन्फर्म हो चुका है। तो देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जेन्युइन कॉन्टेंट मिलता है। तो सबसे पहले 2.4 अपडेट का यहाँ पैच नोट्स देख लेते हैं एंड फीचर्स देख लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज़ आया है, जो मतलब BGMI के लिए भी है गुड न्यूज़, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैच नोट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे पैच नोट्स निकल के आ चुका है 2.4 में, क्या क्या नया चेंजेस होने वाला। सबसे पहले नया गन आने वाला है हनी बैजर, जो मैंने दिखा दिया, 7.62 mm का एमओ लगने वाला है। नया हैंड ग्लाइडर आप लोगों को मैंने दिखाया, आगे अभी फिर दिखा दूंगा। मार्शल शोडाउन थीम मोड आने वाला है इरेंगल के लिए भी, लिविक के लिए भी। मेट्रो रॉयल 2.0 आने वाला है एंड गियर फ्रंट 2.0। गियर फ्रंट आप लोगों को याद होगा, 8 जादुई शक्ति, याद था ना, उसका 2.0 नए नए और शक्ति ऐड हो गया, वो आने वाला है। फमास एडेड इन इरेंगल, फमास एक गन है, फेमस करके एक गन है, वो ये इरेंगल में यहाँ ऐड हो गया। QBZ लिविक में भी ऐड हो गया, सैनॉक का लिविक में भी ऐड हो गया। एक प्लेयर कार्ड मिलने वाला ऑलरेडी दिखाया है। वीकली पॉपुलैरिटी रैंकिंग और न्यू ऑडियो मार्कर सेटिंग। तो चलिए कुछ फीचर का गेम प्ले आप लोगों को दिखाते हैं, नया नया वो मजा आएगा। सबसे पहले रिस्पॉन 2.0 माने बैक फॉर ऑनर, मतलब आपको जैसे कोई एनिमी मार देता, ठीक है, मरने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ मतलब आपको यहाँ पे उसका बदला लेना है कि नहीं, ठीक है। बदला लेना आप अगर इन्वाइट एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है, एक बार एक्सेप्ट कर लिए इन्वाइट प्लेन में, तो आपको वो बंदा का एनिमी का लोकेशन दिखाएगा। देख सकते हैं लोकेशन दिखा रहा, ये ब्राउन ब्राउन वाला सर्कल, एंड वो जहाँ भी जाएगा वहाँ दिखाएगा, ठीक है। एंड आप वहाँ उतरिएगा, मार दीजिएगा, तो आपको वहाँ पे रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब कुछ यहाँ पे रिवार्ड्स मिलेगा। एंड नहीं मार पाते तो बंदा को मिल जाएगा रिवार्ड, ठीक है। तो ये वाला एक चीज़ काफ़ी मस्त है, पूरा लोकेशन दिखाई देगा जहाँ जहाँ वो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं गियर फ्रंट का 2.0 में कुछ नए फीचर ऐड हुए, मतलब वो 8 जादुई शक्ति ऑलरेडी और 2-3 नए ऐड हो गए। यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ स्किल, जैसे आप पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा स्पॉन आइलैंड में, उसके बाद गेम जब स्टार्ट होता है तो कैमो सूट एबिलिटी अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है, तो उसको इनेबल करिएगा, तो एक सूट आपके पास आ जाएगा जो ऑलरेडी पहले भी आता था। बट यहाँ नया फीचर कहा गया, आप आर्मी जैसा कैसे आप जो जंप करते हैं, मतलब कहीं भी आप क्लाइंब करते तुरंत एकदम काफ़ी स्पीड में क्लाइंब होगा, देखिए खिड़की वगैरह में सट से अंदर जाएगा, मतलब भाई एक इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपको कुछ टाइम के लिए, मतलब एक आर्मी वाला जो एबिलिटी होता है ना वो आपके अंदर आ जाए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला ये चीज़ देख के। सेकेंड यहाँ बात करते हैं प्लेयर लॉन्चर, यहाँ आपको मिल जाएगा नया पावर। प्लेयर लॉन्चर अगर आप यहाँ इनेबल करते तो आपको गेम में सारे पूरा जब तक मरिएगा ना तब तक रहेगा, कहीं भी बिल्डिंग के ऊपर कहीं भी मैदान में मंगा लीजिए, उसके बाद यहाँ छोटा लॉन्चर है, यहाँ पे मारिए उड़िए है, एंड आपको यहाँ से दूसरा बिल्डिंग जाना, कहीं भी जाना है जाइए अपोजिट में, वहाँ जाके गिरिए, थर्ड पार्टी कर लीजिए या मज़ा करना जो करना करिए, खेल कूद भी कर सकते हैं, यहाँ से वो कूदेगा वहाँ से आपको बंदी कूदेगी, दोनों टकरा जाइएगा। एंड कुछ कुछ जो शक्ति था ना उसको मिला दिया गया, जैसे व्हीकल एयर ड्रॉप और सेफ जोन वाला जो स्कैन वाला था वो वाला आप लोगों को मैंने मर्ज कर दिया गया, दोनों एक साथ कर दिया गया है। एंड दूसरा लक्की बैकपैक जो था, मतलब यहाँ से वो गन डाले दूसरा गन निकलता था, ठीक है। एंड सप्लाई स्कैन, ये वाला एबिलिटी को मर्ज कर दिया गया, एंड दो नए शक्तियाँ थे जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ जैसे मैंने दिखाया था पैच नोट में फेमस करके यहाँ एक इरेंगल में ऐड होने वाला गन, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला गन इरेंगल में भी आप लोगों को कहीं भी स्पॉन देखने को मिल जाएगा, उठा के यूज़ कर सकते हो। नया गन अब इरेंगल में हमेशा के लिए ऐड हो चुका है। उसके बाद मार्शल शोडाउन जो मोड आ रहा है इरेंगल के लिए, लिविक के लिए भी आ रहा है, आप लिविक का देख सकते हैं सेम टू सेम, ये लिविक का होने वाला है, सेम टू सेम होने वाला। एंड खतरनाक यहाँ से जो मिलने वाला है एक्सप्लोजिव बो वगैरह एंड क्या क्या नहीं मिलने वाला है, यहाँ देख सकते एक्सप्लोजिव बो, मतलब एमओ का भी काम करेगा, बम का भी काम करेगा। उसके बाद अपना डांसिंग लायन, ये फीचर तो मस्त लगे, इतना स्पीड में मतलब मस्त व्हीकल आपको मिल जाएगा, जंपिंग वगैरह करिए, जंपिंग जब पाएंगे जंपक जंपक पूरा मजा लीजिए। सो ये था कुछ फीचर जो यहाँ पे अभी तक मैंने नहीं दिखाया, तो वो मैंने दिखा दिया। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूज़ का, बिगेस्ट गेमिंग न्यूज़ बोल सकते हैं या BGMI के लिए भी बोल सकते हैं, मस्त गुड न्यूज़ गवर्नमेंट के साइड्स, ठीक है। तो यहाँ कल के दिन एक प्रेस रिलीज हुआ, ठीक है,
यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली यहाँ पे ठप्पा लगा दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया ई स्पोर्ट को, एक मल्टी ई स्पोर्ट इवेंट ही भी आता है। मतलब ई स्पोर्ट गेम में आप जानते हैं पबजी भी आता है, फ्री फायर, BGMI, ये सब भी आते हैं ई स्पोर्ट के अंदर, तो उसको आप मल्टी स्पोर्ट इवेंट के अंदर डाल दिया गया। मतलब पहले बस बात होता है कि ई स्पोर्ट का फ्यूचर है, गेमिंग का फ्यूचर है, बट उसको एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा, मतलब ऑफिशियल ठप्पा जो होता है ना गवर्नमेंट के साइड से वो नहीं मिल रहा, बट अब यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ आप लोगों को दिखता होगा 2A ई स्पोर्ट एज पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट, यहाँ मतलब अब मीटी हैंडल करेगी ई स्पोर्ट को भी, एंड साथ में यहाँ पे मतलब यहाँ डिस्टिंग्विश भी किया गया, मतलब डिफ्रेंशिएशन बताया गया एक ऑनलाइन गेमिंग क्या क्या है, मतलब किसको ई स्पोर्ट में रखा जाए एंड किसको ऑनलाइन गेमिंग में। बस जैसे ऑनलाइन गेमिंग क्या हो गया यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे मनी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे गेम होता है कोई भी बेटिंग गेम हो गया, लक वाला गेम हो गया, लूडो वगैरह, MPL, ड्रीम इलेवन, ये सब जो होता है उसको गेमिंग के अंदर रखा गया, उसको ई स्पोर्ट के अंदर नहीं डाला गया, एंड उससे जो भी इनकम होगा वो सब एप्लीकेशन में 30% इनकम जो प्रॉफिट है 30% वो यहां पे जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड यहां ई स्पोर्ट के लिए आया हुआ आप लोगों को ई स्पोर्ट के बारे में भी डिटेल में बता दें, इससे फायदा क्या क्या होगा, ठीक है, कि BGMI हुआ हम लोगों का, फ्री फायर हुआ, ये सब ई स्पोर्ट गेम के कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। एंड ई स्पोर्ट गेम कभी भी बैन नहीं होता, जल्दी बैन होता ही नहीं ई स्पोर्ट गेम, एंड इसके साथ साथ ऑनलाइन गेम तो तुरंत बैन होता है। एंड फ्री फायर और BGMI किस लिए यहां पे बैन लगा, यहां पे डेटा पॉलिसी का रीजन था, यहां पे डेटा पॉलिसी का रीजन, एंड गवर्नमेंट जनवरी या फेब में यहां पे डेटा पॉलिसी भी ला रही है जिससे ये गेम बहुत जल्द अनबैन भी हो जाएगा, यहाँ पे सारे लोगों का भी कहना है, ठीक है। तो डेटा वाला यहाँ जो पॉलिसी है वो अब आने वाला जैन और फैब में, एंड जिसके चलते जो यहाँ पे बैन लगा ई स्पोर्ट गेम में, BGMI हुआ, फ्री फायर, ये सब भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। एंड अब एक चीज़ हो गया ना, गेमिंग में फ्यूचर और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ गया, मतलब जो पेरेंट्स लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते थे भाई गेमिंग में सबका फ्यूचर नहीं, थोड़ी यहाँ कुछ है, अब गवर्नमेंट की तरफ से ठप्पा मिल गया, भाई ई स्पोर्ट वाले जो भी गेम है इसका फ्यूचर है, यहाँ गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर अब आता है सारे ई स्पोर्ट गेम। तो ये सबसे बड़ा गेमिंग न्यूज था 2022 का, मतलब भाई एक अलग क्रेज हो जाएगा, कोई बोलेगा गेमर है ना तो हाँ लगेगा, हाँ वो भी एक मतलब जॉब कर रहा, काफी बढ़िया वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप वीडियो मजा आया तो लाइक कर दीजिए, मिलते कोई और वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद।